इस ट्यूटोरियल में ब्लाइंडर में जितने सारे सिलेक्शंस के टाइप है वो सारे डिस्कस करूंगा। पहले आते हैं हम लोग जब ए प्रेस करते हैं, ए फॉर ऑल सिलेक्शंस। अगर एडिट मोड में ए प्रेस करते हैं तो ऑल वर्टेक्स एज फेस सारे सिलेक्ट हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट मोड में ए प्रेस करते हैं तो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सीन में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसे डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल ए, लेकिन सेम अगर 0.79 में जाते हैं यहाँ पे, इसमें अगर आते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ए और डिसलेक्ट करने के लिए भी ए है। अगर ए प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट होता है, अगर ए प्रेस करते हैं तो डिसलेक्ट। लेकिन अगर 2.92 में आते हैं तो यहाँ पे ए फॉर सिलेक्ट, लेकिन ऑल्ट ए प्रेस करने से यहाँ पे डिसलेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन बी, अगर आप बी प्रेस करते हैं तो बॉक्स सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है। यहाँ से सिंपली ड्रैग करते हैं तो उस बॉक्स के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये 2.79 में भी सेम है, बी प्रेस करते हैं तो बॉक्स सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है एंड सिंपली ड्रैग करते हैं तो बॉक्स के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये है बॉक्स सिलेक्शन मोड। नेक्स्ट सी, अगर सी प्रेस करते हैं तो यहाँ से एक सर्कल एक्टिव हो जाता है एंड राइट क्लिक करते हैं तो वो सर्कल डिसेबल हो जाता है। अगर सी प्रेस करते हैं तो सर्कल ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये है सर्कल सिलेक्शन। अगर स्क्रोल करते हैं तो ये इंक्रीज होगा, इस सर्कल के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन डिसलेक्ट इसमें नहीं होगा, डिसलेक्ट करने के लिए ये ओनली 2.92 में है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन अगर ये एडिट मोड में काम करता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड टैप प्रेस करते हैं, नेक्स्ट इसे जस्ट इसकी ये जो एरिया है इसकी बाहर किसी भी एरिया पर आप क्लिक करते हैं तो डिसलेक्ट। ए प्रेस करने से सिलेक्ट, ऑल्ट ए प्रेस करने से डिसलेक्ट और यहाँ पे क्लिक करने से भी डिसलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे डिसलेक्शन और एक तरीका दिखाऊंगा डिसलेक्शन की। यहाँ पे सी प्रेस करते हैं तो सर्कल सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है, इस तरह से ड्रैग करने से सर्कल के अंदर जो जो वर्टेक्स एज फेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन डिसलेक्ट इसे हम लोग डिसलेक्ट मोड में भी इस सर्कल को यूज करेंगे। तो ये आइकन जो है ये ओनली एडिट मोड में काम करेगा, ये डिसलेक्ट करता है। इस आइकन को क्लिक करना है, सिलेक्शन हो रहा है, ए सिलेक्शन एंड ए डी सिलेक्शन। यहाँ पे सर्कल मोड ऑन है, ये सर्कल साइन यहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये है सिलेक्शन के लिए, नेक्स्ट ये भी सिलेक्शन के लिए, ये फेस सिलेक्शन। नेक्स्ट डिसलेक्ट करने के लिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है ये है डिसलेक्ट। तो ए बी सी गया। अभी कुछ टेक्निक्स हैं, ए इसमें भी सेम है लेकिन वो जो सर्कल है वो ये यहाँ पे नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टैप प्रेस करते हैं, यहाँ पे अगर सी प्रेस करते हैं तो सेम स्क्रॉल करने से और यहाँ से स्क्रॉल करने से ही बड़ा और छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट हो गया है। डिसलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ए प्रेस करना है, ए सिलेक्ट एंड ए डिसलेक्ट। सी अगर सी प्रेस करते हैं, अभी अगर आप डिसलेक्ट करते हैं करना चाहते हैं इस एरिया को तो शिफ्ट प्रेस बी प्रेस करना है बॉक्स सिलेक्शन मोड। नेक्स्ट सी प्रेस शिफ्ट प्रेस करना है तो इस तरह से आप डिसलेक्ट कर सकते हैं। अगर ए प्रेस करेंगे तो सारे जो सिलेक्शन था वो डिसलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर, हम लोग अभी कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्शंस और भी इम्पोर्टेंट जो मॉडलिंग में ज्यादातर काम में आता है वो सिलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फेस सिलेक्शंस मोड, यहाँ पे इसे ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, हम लोग चाहते हैं इस एरिया तक सिलेक्शंस हो। कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन, कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन, फर्स्ट इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन। नेक्स्ट इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन। तो इस तरह से आप अगर अपने कंप्यूटर पे ट्राई करते हैं तो ये समझ जाओगे। अगर इस एरिया से इस एरिया तक सिलेक्ट करना है, कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन। नेक्स्ट फिर लूप सिलेक्शन करेंगे ओनली शॉर्टकट के थ्रू। अगर ऑल्ट प्रेस करते हैं, अगर किसी भी आप यहाँ पे मैं ये है इस फेस की जो ओरिजिन एंड ये एक डायरेक्शन समझ लेते हैं एंड ये एक डायरेक्शन, अगर इस लूप को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं और एक इस पैटर्न पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट राइट माउस बटन, सॉरी यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, लूप को सिलेक्ट करना है, सो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, ये इस डायरेक्शन पर, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने जो यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा तो इस लूप सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट अगर इस लूप को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स है तो इस डायरेक्शन पर ऑल्ट क्लिक। नेक्स्ट आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब ए लूप सिलेक्ट हो गया है, अभी ए लूप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, इस तरह से शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट एंड ऑल्ट। नेक्स्ट कंट्रोल, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट। नेक्स्ट अगर ओनली शिफ्ट प्रेस करते हैं,
यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक एक सिलेक्ट हो जाएगा एंड एक एक डिसलेक्ट हो जाएगा। अगर जो जो सिलेक्ट है वो फिर से अब क्लिक करते हैं तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये डिसलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये डिसलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अभी तक हम लोग शॉर्टकट यूज करके सिलेक्शन किया हूं, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन पे ये सारे ऑप्शन है, ऑल ए प्रेस करते हैं तो ऑल। नेक्स्ट और एक है इनवर्स सिलेक्शन, अगर आप ये ए फेस अभी सिलेक्ट करके रखा है तो आप चाहते हैं इनवर्स, मतलब जो जो फेस आपकी सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाए एंड जो जो फेस आपकी डीएक्टिव है वो एक्टिव हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों सॉफ्टवेयर में दोनों वर्जन में ये कंट्रोल आई प्रेस करने से इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और एक सिलेक्शन मेथड है जिसे कहते हैं लेसो, लेसो टू, यहाँ पे टैप प्रेस, नेक्स्ट वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, कंट्रोल एंड राइट माउस बटन, लेसो सिलेक्शन, कंट्रोल राइट माउस बटन, यहाँ पे शॉर्टकट की अगर यूज करते हैं कंट्रोल, ये दोनों सॉफ्टवेयर में सेम है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से आप जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं ओनली उस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक करते हैं तो डिसलेक्ट एंड लेसो डिसलेक्ट के हिसाब से काम करेगा। अगर ओनली कंट्रोल एंड राइट माउस बटन क्लिक करते हैं तो सिलेक्शंस, कंट्रोल राइट माउस बटन सिलेक्शंस, कंट्रोल शिफ्ट राइट माउस बटन डिसलेक्शंस।